हेलो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो बनाने वाले हैं माइलेज को लेकर, क्योंकि बहुत सारा कमेंट आता है हमें कि मोटा बीट में माइलेज कम हो जाता है सर, उसके बाद जो पतला बीट होता है उसमें माइलेज ज़्यादा देता है। इसी तरह का कमेंट हमें बहुत आता है, लेकिन कमेंट में तो उतना सारा बात बताया नहीं जाता है। तो चलिए हम बताते हैं आपको एक्चुअली इसका क्या फंडा है। देख लीजिए आप, जैसे ये बीट हो गया और ये बीट हो गया, सब बोलते हैं मोटा बीट में माइलेज कम मिलेगा और पतला जो ये बीट है जाफर बीट, इसमें ज़्यादा मिलेगा। दोनों में कोई सा भी टायर आप लगाएं, माइलेज का प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखिए, एक्चुअली आदमी करता क्या है, आपका बाइक में अगर आप टायर लगा लिए मोटा बीट का, ये लगाएँ वा ये वाला लगाएँ, कोई सा भी लगाएँ आप, तो आप क्या होता है, इससे ये टायर से ये टायर का वजन लगभग 500 ग्राम व 700 ग्राम ज़्यादा हो जाता है। उसी हिसाब से आप अगर सोचे कि आप किसी भी बाइक में जाते हैं तो अपना दोस्त हो व रिश्तेदार हो, किसी को भी आप बैठा के लेके जाते हैं, उसमें भी तो आपका माइलेज कमता है। तो उतना सारा डिफरेंस रहने से आपका कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक्चुअली आप ऐसे घर पर हो तो बाज़ार करने जाते हैं, उसमें भी तो आपका दो बैग आता है, उसमें भी तो 10-10 केजी करके 20 केजी आपका वेट बढ़ जाता है। वेट आपका बढ़ने से ही माइलेज ऐसे ही कम देगा। तो ये टायर आप धर लीजिए कि 500 ग्राम ज़्यादा है तो फिर भी तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी हिसाब से तो आपका कोई माइलेज में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए और नहीं आएगा। उतना आदमी अगर सोचता तो दो आदमी को तीन आदमी को बैठा के एक बाइक में नहीं लेके जाता। यही था हमारा आज का टॉपिक। हमारा जो व्यूअर सब है वो कमेंट करता है कि सर ये मोटा बीट लगाने से हमारा माइलेज कम जाएगा, उसके लिए हम आपको बताएं। कमेंट में तो काफ़ी सारा बात बताया नहीं जाता है, तो आपको कोई अगर इससे दिक्कत हो हमारे बात से तो हम आप कमेंट कर सकते हैं, फिर भी हम आपको रिप्लाई, हर कमेंट का रिप्लाई देते ही हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। तब तक के लिए हम वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।